अस्सलामुअलैकुम गाइस। तो आज एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो गाइस ये व्लॉग तो नहीं होगा, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ एक किस्म का मतलब पूरा रिव्यू देना, चैनल रिव्यू, जिसको आप चैनल रिव्यू समझ लेते हो। गाइस आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा कि मेरा यूट्यूब मैंने किस तरह स्टार्ट की। मैं आपको सारी एडवाइस भी दूंगा किस तरह यूट्यूब पे आना है, क्या करना है, आपने क्या से आना है, क्या आपने सोच कर आना है, सब कुछ आपको बताऊंगा आज के व्लॉग में। तो आज की वीडियो में तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो गाइस मैं आज आपको बताऊँगा मैंने यूट्यूब कैसे स्टार्ट की, कब और कब स्टार्ट की। तो सबसे पहली बात, मैंने यूट्यूब क्या देखकर स्टार्ट की। तो जब मैं था ना यार, आप समझ लो 8 में नया नया बैठा था, तो गाइस अब मैं आपको बताता हूँ। तो मैंने जब मैं था 8 मेरी स्टार्ट हुई थी, स्टार्टिंग थी 8 की। तो 8 की नहीं, आप समझ लो यार इस तरह समझ लो 7 के पेपर देने थे तब, उससे पहले की, बहुत पहले की। मैंने अंदर यार जब मैंने स्टार्ट की ना यूट्यूब, जब मैं आया मुझे कोई पता नहीं था थंबनेल क्या होता है, यूट्यूब का वाइब भी नहीं पता था मुझे क्या होता है। तब मैंने यूट्यूब स्टार्ट की, तो मैं यूट्यूब की तरफ आया, मैंने देखा यार ये यूट्यूब भी कोई नई चीज़ लग रही है, इसको मुझे देखना चाहिए। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। फिर मैं आया, मैंने सबसे पहला मेरा व्लॉग, 1 साल पहले मेरा व्लॉग, मतलब अब मैं प्री 9th हूँ, जनवरी आप ये कर लो ना, 8 शुरू हुई थी, 8 शुरू यार ये कर लो, ये फाइनल कर लो। तब मैं आया, तब मैंने देखा यार यूट्यूब क्या, तब मुझे नहीं पता थंबनेल क्या होता है, वीडियो क्या होती है, मुझे कुछ पता नहीं था। एक बात मैं आपको मतलब बताता हूँ कि एक बात याद रखना, अगर आप यूट्यूब पर आना चाहते हो ना, एक चीज़ आपने याद रखनी है, आपने पैसे को देख के नहीं आना, यार हम आ जाएंगे, हमें पैसे मिल जाएंगे, हमें अर्निंग होगी, हमारे पैसे आएंगे, ये चीज़ आपने देखनी नहीं है। आपने देखना यार, आपने दिल से आना है, मतलब आपने फुल ना जल कहते हैं ना, आपने कोशिश करनी है कि मैंने इसमें पास हो जाए। आप इसमें एक तो आपका चैनल चल गया तो समझो आप कभी फेल नहीं हो सकते। आप वीडियोज़ अपलोड करो, आपका चैनल इंतहाई चलेगा। तो मैंने जब पहली वीडियो अपलोड की ना, तब मुझे मेरी मामा ने बहुत अप्रिशिएट किया, तब मैंने बहुत यार स्टार्टिंग की, तब मैंने कहा चल यार आज आ गए यूट्यूब पर तो आ गए। तब मैंने जब पहली मैंने वीडियो मिला तो मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, जैसे मेरे भाई शान उन्होंने पहली वीडियो चलाई उस पर ही मैं कहता हूँ इकट्ठा 50 व्यू आ गया, मेरी वीडियो पर 2 व्यूज़ भी नहीं आए थे, 2 क्या मैं कहता हूँ 2 भी नहीं आए थे। तब मैं ना थोड़ा डिसाइड हुआ, मैंने देखा यार ये बहुत थोड़ा, फिर मेरे घर वाले दोबारा मुझे ज़्यादा मुझे कहा कि तुम करो, अप्रिशिएट किया। तो फिर मैंने यार कहा यार अब शुरू कर लिया तो कर लिया, अब नहीं छोड़ना। तो फिर मैंने अंदर एक दो बार जब मेरी होगी ना 10 या 20 वीडियोज़ हुई, उसके बाद मैंने यार एक दो बार फिर हिम्मत हार दी, फिर मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। फिर मैंने इतना डिसाइड हुआ, मैंने 3 महीने वीडियो नहीं अपलोड की, पूरे 3 महीने। तो जो मेरे सब्सक्राइबर थे 20-25 थे, वो भी डेड हो गए। तब मुझे समझ आया वीडियो अपलोड करोगे तो ये आगे बढ़ेगा। तब से यार मैंने इतनी वीडियो अपलोड की, इतनी वीडियो, अब इंशाल्लाह माशाल्लाह इतनी मेहनत कर कर के ना मेरे अब 550-600 सब्सक्राइबर होने वाले हैं। कुछ लोग कहते हैं ना यार मैंने 2 वीडियो चलानी है मेरे ऐसे ऐसे सब्सक्राइबर आएंगे, कुछ के आ जाते हैं, ये आपकी ना जितना आप देख कर आते हो ना, मतलब कुछ लोग होते हैं जल्दी फेमस हो जाते हैं, मुझे थोड़ा टाइम लगा। तो अभी भी मैं नहीं छोड़ रहा, अभी मैंने स्टार्ट रखी भी है, अभी मैंने छोड़ी नहीं है यूट्यूब। मैं रिव्यू मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको पता चले यूट्यूब पर किस तरह आना है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको देख के मैं आया। तो जब अभी भी मैं जब होते हैं सब्सक्राइबर, व्यूज़ वगैरह नहीं आते, सब्सक्राइबर 1 हफ्ता 2 हफ्ता 1 जितने रहते हैं, तब मैं थोड़ा अपसेट होता हूँ, लेकिन फिर मैं कहता हूँ नहीं यार बनानी है वीडियो। अभी इतनी मेहनत करके 1.5 साल मैं लगा के इस पे आऊँ,
550 सब्सक्राइबर करूँ तो मैं अगर तुम 2 हफ्तों में मैं अपना चैनल डेड कर दूँ। इतनी जब बंदा इतनी मेहनत करके आया और फिर बंदे को डेड एहसास होता है बंदे को। अब देख लो, अब डक्की भाई को देख लो, मास सफदर को देख लो, जैन लव दिल को देख लो, यार बहुत से हैं, बीबीएन को देख लो, इतने ज़्यादा बार बार के यूट्यूबर। मैं कहता हूँ अब तो, अब क्या कहूँ, कुत्ते और बिल्ले से लेके वो भी यूट्यूब पर आए पड़े। अब इससे बड़ी क्या इंतहा हो सकती है यूट्यूब की। यूट्यूब ऐसे पैसा दे रहे व्लॉगर्स को, डक्की भाई को यार कोई टेंशन नहीं है। मैं, मेरा फ्यूचर था कि मैंने ना एक अच्छा व्लॉगर बनना है, मैं मेरा यही था डक्की भाई को क्रॉस करना है। यार डक्की भाई को क्रॉस करना मुश्किल है, लेकिन कर लेंगे, हो जाएगा क्रॉस करना, एक दूसरे से आगे बढ़ना। तो ये बात बंदे को जहन में रखनी है, अब हमने करना है तो करना ही है। तब मैंने यार बहुत स्टार्ट की, तब मैंने, अभी मेरा दिल करता है मेरे जल्दी जल्दी हो जाए जी, मैं अच्छा व्लॉगर बनूं। इतनी जल्दी नहीं होता, जितनी मेहनत आप कर लो ना, आप जितनी बार की मेहनत कर लो ना, लेकिन जब सही तरह दिमाग से और दिल से देख के बनाओगे ना, सच्ची वीडियो बनाओगे, तब आपका मतलब फेमस होने के तरीके हैं उसके, हो सकता है। तो दे बहुत सी चीज़ें हैं। उसके बाद मैंने यार माइक लिया, स्पीकर लिया, बहुत सी अंदर वीडियोज़ आई। तब मुझे जब मेरी पहली 10 वीडियो पे आप 5-6 पे थंबनेल लगा ही नहीं, पहली वीडियोस में मुझे थंबनेल बनाना आता ही नहीं था। फिर मैंने थंबनेल देखा, नेट पे सर्च की, यूट्यूब का ज़माना है, आप सर्च करो सब कुछ ऐसे निकल जाता है। फिर मैंने यूट्यूब स्टार्ट की, फिर यार थंबनेल पता चला, यार थंबनेल भी कोई चीज़ है, इसको लगा, सारा कमाल ही थंबनेल का होता है, इंप्रेशंस, व्यू इंप्रेशन, व्यू डेकोरेशन, सारा कुछ देख के तब आपको पता चलता है कि थंबनेल जितना कमाल का आपका होगा ना, उतने व्यूज वीडियो पे पक्के। तो आप देखते हैं डक्की भाई के मिलियंस में व्यू आते हैं। मैं, मेरी वीडियो पे आ जाए ना, मैं कहता हूँ 50-60 भी आ जाए, मैंने पूरा हफ्ता मेरी खुशी नहीं उतरनी, ले यार 60 क्यों आ गए हमारे। अब स्टार्टिंग पे बंदे को वैसे ही होता है, मुझे तो अभी साल हुआ तो 500 हुए, डक्की भाई के इतने ज़्यादा हैं और उसको 7 साल लगे हैं, तो अब तो मुझे भी 7 साल लगाने पड़ेंगे। अब कर सट जो अब तक मैंने फेमस हो रहे हैं उसके 10 मिलियन से अबव हो जाएंगे, ठीक है करेंगे। तो आपने हिम्मत नहीं आनी यूट्यूब पे आना है। तो आज की वीडियो में इतना ही, अल्लाह हाफिज़। बस आपने यार कोशिश करते रहना है, मेरी कभी ना कभी सक्सेस मिल जाती है बंदे को, तो आपने हिम्मत नहीं हारनी। तो आज के व्लॉग में इतना ही, मतलब आज की वीडियो में, यार मैं व्लॉग कह देता हूँ हर बार, तो आज की वीडियो में इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।